हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज का वीडियो होने वाली हमारी यंग जनरेशन की, जो हमारे बच्चे हैं या हमारी जो बच्चियां हैं, कि गर्ल्स बॉयज दोनों पे लागू होते हैं। बहुत सारी बार उनकी हेल्थ से तो रिलेटेड मैं नहीं कहूंगी कि उनको ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं इस एज में, हाँ, लेकिन उनकी इमोशनल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। और इमोशनल प्रॉब्लम स्पेशली होती है उनकी, क्योंकि वो रिलेशनशिप्स को लेकर होती है। वो अपनी रिलेशनशिप्स को समझ नहीं पा रहे होते हैं और उनको वो चीज नहीं मिल पा रही होती जो उनको चाहिए होती है। और अगर हम इमोशनली वेलबींग नहीं है तो हम फिजिकली हो ही नहीं सकते। हमें इमोशनली बहुत अच्छा होना जरूरी है और उसका हमारी जो हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर आप लकी हैं तब तो आपके पास ऐसे फ्रेंड्स होंगे जिनसे आप अपनी प्रॉब्लम को, अपनी चीजों को शेयर कर सकते हैं एकदम ओपन हार्टेडली, जैसा वो है वैसे ही। अगर आपके पास ऐसे फ्रेंड नहीं है तो एज अ एल्डर सिस्टर मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर सकती हूँ यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं और बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं, और दूसरे ही साइड पे अगर आपका पार्टनर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है और बहुत ज्यादा दिमाग से सोचने वाला है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर कॉम्बिनेशन बहुत बेकार कॉम्बिनेशन है। क्योंकि उसको कभी भी आपके इमोशंस की, आप जो फील करें, उसकी कभी वैल्यू नहीं होने वाली यहाँ पर। और जब वैल्यू नहीं होगी तो ये आपका रिलेशनशिप आपको क्या देगा, टॉक्सिक होगा और एट द एंड उसका रिजल्ट भी बहुत बेकार ही आने वाला है। तो इस चीज को थोड़ा सा नोट करिए कि अगर आप ओवर सेंसिटिव हैं और अगर आप इमोशनल हैं तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल जो लोग हैं उनके साथ थोड़ा सा, अगर अर्ली स्टेजेस पे ही अगर आपको ऐसे समझ में आता है तो यू हैव टू मेक सम लिटिल बिट डिस्टेंस, कि मतलब वो चीज वहां तक ना पहुंचे जहां तक मतलब आपके लिए सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपका पार्टनर आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट करता है, ऑप्शन इन सेंस कि अगर उसके पास फ्री टाइम है, अगर वो मतलब कंफर्टेबल जोन में है, ओनली देन दे वांट टू टॉक टू यू। और इसका मतलब है कि आपकी इम्पोर्टेंस वहां पर कुछ भी नहीं है। इम्पोर्टेंस क्या है कि नाउ उनको अब अपना प्लेजर चाहिए, अपना फ्री टाइम जो है उनको, उसको थोड़ा सा खुद को एंटरटेन करना है। तो वो अब आपके लिए नहीं है, वो अपने खुद के लिए आपके पास आए, खुद को एंटरटेन करने के लिए आए हैं। तो छोटी सी पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई कुछ कहते हैं और आपके पार्टनर को वो मेमोरी में रहता है, आपकी छोटी छोटी डिजायर्स, आपकी छोटी छोटी विश, आपकी छोटी छोटी मतलब खुशियों का ध्यान है, आप एक बात बोलते हैं लेकिन वो उनको याद रहती है। अगर आपने कुछ करने के लिए बोला है तो वो उनको याद रहता है, इट्स मीन कि दे लव यू रियली फ्रॉम देयर हार्ट। और वो इस रिलेशनशिप्स को आगे ले जाना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप्स को कंटिन्यू करना चाहते हैं और लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहते हैं। तो एक बहुत अच्छा साइन होता है कि जब आप कुछ कहते हैं और आपका पार्टनर उस मतलब छोटी सी बात को, मतलब आप बहुत सारी बात करते हैं लेकिन उस छोटी सी बात को जो आपने कहा होता है उसके दिमाग में रहती है और वो उसको इम्पोर्टेंस देकर उसको बहुत अच्छी तरह से फुलफिलमेंट करने की कोशिश करता है, समझता भी है या समझती भी है। आप मतलब अपने हिसाब से जेंडर चेंज कर लेना, और क्योंकि एज अ, मैं अगर गर्ल हूं तो मैं थोड़ा सा अपनी गर्ल वाली लैंग्वेज में बात कर रही हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपकी प्रॉमिसेस की लिस्ट आपके पार्टनर की बहुत बड़ी है तो कभी भी उस प्रॉमिसेस के सिर्फ वर्ड्स पे मत जाना, कभी मत जाना, और उसको रियल एक्शन में देखने की कोशिश करना कि भले ही चार प्रॉमिसेस हैं लेकिन वो चार प्रॉमिसेस एक्शन में है कि नहीं है। और क्योंकि जो स्वीट स्वीट सी बातें जो होती है उसको सुनने में बहुत अच्छा लगता है, आपका कनेक्शन बनाने के लिए तो बहुत अच्छी होती है कि इमोशनली आप जुड़ जाते हैं पर्सन के साथ अच्छी बातें सुनकर। और लेकिन क्या वो प्रोमिसेस जो है वो फुलफिलमेंट हो रही है रियल लाइफ में? तो अगर वो प्रोमिसेस का एक भी पक्ष फुलफिलमेंट नहीं होता है, डेट मींस कि उस रिलेशनशिप्स का एंड होना, और वो भी बहुत ड्रास्टिक तरीके से, तो ये डेड श्योर है। अगर आपका रिलेशनशिप कब अच्छा है, अगर आप रिलेशनशिप में हैं और आप दिल खोल के बातें करते हैं, इवन जो आप सोचते हैं अच्छा बुरा जैसा भी, और वो आप शेयर करते हैं, आपका पार्टनर जैसा सोचता है अच्छा बुरा वो शेयर करता है, दोनों के बीच में एक दूसरे से छुपाने के लिए, हाइड करने के लिए कुछ भी नहीं है, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं, और आप अपनी सारी चीजें शेयर करते हैं, दिल खोल कर बातें करते हैं, अपने मतलब प्लान्स के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में प्लान करते हैं कि ऐसा ऐसा फ्यूचर, या आप अपनी लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसके बारे में जो फेस कर, मींस कि मतलब आप दिल खोलकर एक दूसरे से बातें करते हैं, इसका मतलब आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, बहुत ट्रू है। क्योंकि उसके अंदर अब कोई माइंड गेम नहीं चल रहा है, कि मतलब कुछ हाइड एंड सीक वाला गेम नहीं चल रहा है, कि दोनों रियल वे में और यहां से कनेक्टेड ना होकर यहां से कनेक्टेड है। दिस इज द बिगेस्ट साइन ऑफ योर रिलेशनशिप। अगर ऐसा है देन
आप अपने पार्टनर पर ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर वो अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ आपको वही इंपॉर्टेंस देते हैं, अगर किसी ने कुछ बोला तो आपके लिए वो ऐसे ही खड़े रहते हैं, स्ट्रांगली खड़े रहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो आपके रिलेशनशिप्स को बहुत वैल्यू करते हैं और वो उसको एंड स्टेज तक लेके जाना चाहते हैं और उसको मतलब कहते हैं कि ये लॉन्ग लास्टिंग आपका रिलेशनशिप रहेगा। तो ये कुछ गुड साइन और कुछ बैड साइन है किसी भी रिलेशनशिप के लिए। अगर किसी रिलेशनशिप में आपकी हॉट टॉक होती है, हॉट टॉक के बाद अगर तो जो आपका जो पार्टनर है कि वो एक दिन, दो दिन, तीन दिन तक आपसे बात नहीं करता, तो इस कॉमन नेचुरल, क्योंकि होता है कि हेड में थोड़ा सा एंगर होता है तो गुस्सा होता है। लेकिन अगर उसके बाद भी मतलब आप ही पहल कर रहे हैं, हर बार आप ही पहल कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमेशा ये होता है कि सिर्फ रिलेशनशिप वन साइडेड है, टू साइडेड है ही नहीं वो रिलेशनशिप। तो इस पे भी ध्यान दीजिएगा कि अगर आप उनको कितनी बार मनाते हैं और वो आपको कितनी बार मनाते हैं, तो इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की भी जरूरत है। चीजें बहुत छोटी है, जो इमोशनली कनेक्ट होता है वो पर्सन बहुत सारी चीजों को इग्नोर और अवॉइड करता रहता है। एक बड़ी बहन होने के नाते आपको एक स्टेज पे अपने यंग जनरेशन के लिए मैं यही कह सकती हूँ। क्यों कह रही हूँ मैं ये, क्योंकि मैं बहुत बार नोटिस करी हूँ कि जो हमारे यंग जो यूथ है उसकी प्रॉब्लम, फिजिकली तो वो फिट है क्योंकि अभी तो उसके ऑर्गन्स ही नए हैं, हेल्दी हैं, लेकिन वो इमोशनली जो है वो वीक है। इमोशनली वीक होने के कारण उसका काम में मन नहीं लगता, डिप्रेशन में जाता है, डिप्रेशन में जाने के बाद फुल टाइम उसको सोने का मन करता है, उसकी हेल्थ पे भी असर पड़ता है, उसकी हर एक चीज पे असर पड़ता है, उसका साथ में जितने भी रिलेशनशिप्स हैं उससे कट जाता है, अपनी फैमिली से कट जाता है, अपने दोस्तों से कट जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है वही रिलेशनशिप आपको एक खुशी दे सकता है, वही आपके लिए अच्छा रिलेशनशिप होता है जो खुद भी प्रोग्रेस करे, आपको भी इनकरेज करे प्रोग्रेस करने के लिए, आपको सही गलत का गाइड करे, लेकिन एक हेल्दी वे में आपको गाइड करे कि ये सही है ये गलत है, आपके प्रोग्रेस से उसको खुशी हो और उसकी प्रोग्रेस से आपको खुशी हो और दोनों मिलकर एक साथ दोनों कमियां एक दूसरे की जो भी हैं उसको पूरी मतलब पूरी करें और दोनों एक दूसरे में जो भी कमियां हैं उसको दूर करने की कोशिश करें और एक दूसरे को मतलब कॉन्फिडेंस को बूस्ट करें, एक दूसरे को मतलब लाइफ में आगे जाने के लिए बूस्ट करें। और जहां तक दोनों की चॉइसेस का सवाल आता है, दोनों रिस्पेक्ट करें एक दूसरे की सोच की, एक दूसरे की चॉइसेस की और एक दूसरे की हॉबीज की। तो अगर आपका रिलेशन इस तरीके का है तो उसके अंदर कभी निरसता नहीं आएगी, कभी बोरिंगनेस नहीं आएगी और आप हमेशा एक हेल्दी और एक ग्रोथ वाली स्टेज रहेंगे जहां पे आप लाइफ में अपनी ग्रोथ करेंगे। क्योंकि रिलेशनशिप जो होते हैं वो हमेशा हमारे ग्रोथ देने के लिए होने चाहिए, ना कि हमको नीचे गिराने के लिए होने चाहिए। हमें प्रोग्रेस दिलाने के लिए होने चाहिए, हमें हैप्पीनेस दिलाने के लिए होने चाहिए, ना कि हमें आंसू दिलाने के लिए होने चाहिए। हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट और, जिस रिलेशनशिप में अगर आपकी आंसू से फर्क नहीं पड़ता तो यहाँ पर आप अंडरलाइन करें कि वो रिलेशनशिप तो बेकार है, बिल्कुल बेकार है। तो वहां से आप वो कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके अपने आप को बैक स्टेप ले लें, क्योंकि जो आपसे बहुत प्यार करेगा वो कभी आपकी आंखों में आंसू देख ही नहीं सकता। तो अगर जिसको आपके आंसू से फर्क नहीं पड़ रहा तो फिर आपकी लाइफ से उसको घंटा ही फर्क पड़ता है, तो यही कहना पड़ेगा। तो ये चीजों का अगर हम ध्यान रखें तो हम अपनी लाइफ में थोड़ा सा तो मतलब प्रोग्रेस की तरफ, खुशी की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि अगर हमें हेल्दी रहना है अंदर से भी तो हेल्दी रहना है ना, अच्छे सेल हमारे कब न्यू डेवलप होंगे, जब हम खुश होते हैं, जब हम हेल्दी होते हैं ना, तो हमारे जो अच्छे अच्छे सेल हमारे अंदर रिजेन्यूएट होते हैं, बनते हैं, और जो पुराने भी हो चुके हैं वो भी एक अच्छा सा फॉर्म ले लेते हैं सेल, और उसे हमारा बॉडी माइंड शरीर सब हेल्दी रहता है। और बहुत सारी चीजें हमारा, आपको पता नहीं होगा, हर साल हमारा शरीर अपने आप को बदलता है, जैसे हमारी सोच होती है, इमोशंस होते हैं, वैसे हमारे सेल बनना स्टार्ट होते हैं, और जिसे हम डीएनए कहते हैं, डीएनए चेंज होता है हमारा। और कई बार हम इतना अगर हम डिप्रेस रहते हैं तो डीएनए भी बहुत बेकार हो जाता है और उसे बीमारी शरीर पे और बहुत सारी चीजें। अगर हम हैप्पी जोन पे रहते हैं डीएनए बहुत अच्छा रहता है, उससे हमारी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। तो स्पेशली हम अगर अपने रिलेशनशिप में हेल्दी है ना, तो हम लाइफ में किसी भी फील्ड में बहुत अच्छा कर लेंगे। क्योंकि ये हमारे जैसे चार पिलर्स अगर मैं लाइफ के बोलूं कि अगर पहला इकोनॉमिकल, दूसरा हेल्थ, तीसरा रिलेशनशिप्स और चौथा आपकी ड्रीम्स, तो इनमें से जो रिलेशनशिप्स है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ के लिए। हेल्दी रिलेशनशिप हमेशा एक हेल्दी लाइफ आपको देगी, हैप्पियर लाइफ देगी। तो गाइस, आज का वीडियो यही तक, उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगर अच्छा लगा है तो गाइस बस सब्सक्राइब करें ना करें, लाइक करें ना करें, लेकिन हाँ, अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको शेयर करिए ताकि और लोगों को भी इससे बेनिफिट्स हो। लव यू ऑल, टेक केयर।